हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ और आज जो डिश हम बनाने जा रहे हैं वो सभी की बहुत फेवरेट मिठाई है और सभी को ये बहुत पसंद आती है और हर जगह इंडिया के हर स्टेट में इसे बनाया जाता है और आज जो रेसिपी जो स्वीट डिश हम बनाने जा रहे हैं वो है रसगुल्ला उसे रसगुल्ला कहें या रसगुल्ला कहें या रसगुल्ला कहें तो इसका जो ओरिजिन है वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का माना जाता है और ज़्यादातर ये वहीं ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाती हैं और छेने से ये बनाई जाती हैं तो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये बनते हैं तो आज हम रसगुल्ला बनाना सीखेंगे तो कुछ सिंपल स्टेप्स हैं इसमें अगर आप वो उसे फॉलो करेंगे तो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ला आप घर पर ही बना सकते हैं तो चलिए रसगुल्ला बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं तो रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा छेना तो लगभग हमने 300 ग्राम छेना लिया है इसके अलावा हमें चाहिए होगा चीनी और थोड़ा सा मैदा और चाशनी को फ़्लेवर करने के लिए हम यूज़ करेंगे इलायची तो छेना किसे बनाते हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे तो आप वो देख सकते हैं ऊपर आई बटन को क्लिक करके तो आप वो छेना बनाने का प्रोसेस देख लें तो इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स से हम रसगुल्ला बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जो रसगुल्ले की चाशनी है वो बनाएंगे तो इसकी चाशनी बनाने के लिए लगभग हम एक कढ़ाई में लगभग एक लीटर पानी लेंगे और इसमें एक कटोरी बड़ी कटोरी भर के हम इसमें चीनी डालेंगे तो वन एंड हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी के घुलने तक हम इसे आ, मिक्स करेंगे तो हम वेट करेंगे कि चाशनी में बहुत ही अच्छा उबाल आ जाए तो इसकी जो चाशनी बनती है वो थोड़ी सी पतली रहती है आ, गुलाब जामुन की चाशनी से तो चाशनी को फ्लेवर करने के लिए फिर हम इसमें डालेंगे इलायची छोटी इलायची तो इलायची हम इसमें डालेंगे तोड़कर और चाशनी के उबलने तक हम इसे कुक करेंगे उसके बाद हम जो रसगुल्ले का जो छेने का जो डो है उसे हम प्रिपेयर करेंगे तो इसके लिए हमें छेने को थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है इसके लिए आप अपनी हथेली की मदद से आप इस छेने को अच्छी तरह से इसे मसलना पड़ता है तो आप एक चपटे बर्तन में छेना ले लें और अपनी हथेली की मदद से इसे अच्छी तरह से इसे आप मसलें तो जितना आप इसे मसलेंगे उतना ही ये जो छेना है वो स्ट्रेच होगा और उतना ही ये स्मूथ बनता जाएगा तो इसे लगभग पाँच से छः मिनट और उससे ज़्यादा भी आप इसे कर सकते हैं तो इसे हमें कंटिन्यूसली मसलना है और इसे स्ट्रेच करना है तो इसे इस प्रोसेस को अगर आप अच्छे से करेंगे तो हमारा जो रसगुल्ला है वो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा तो अगर इस प्रोसेस में आप थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम रसगुल्ले को चाशनी में स्टीम होने के लिए डालते हैं तो आखिर में वो बिखर जाता है जो छेना है वो टूट कर बिखर जाता है तो उसका मतलब ये है कि आपने इसे अच्छी तरह से स्ट्रेच नहीं किया इसे अच्छी तरह से मसला नहीं तो आप देख रहे हैं ये छेना किस तरह से स्ट्रेच हो रहा है और इसे स्मूथ बनता जा रहा है इसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ बनता जा रहा है तो इसे लगभग पाँच से सात मिनट आप इसे कंटिन्यूसली मसलते रहें और इसे स्ट्रेच करते रहें फिर हम इस छेने के मिक्सचर में थोड़ा सा लगभग दो से तीन चम्मच हम मैदा डालेंगे ज़्यादा मैदा आप ना डालें नहीं तो हमारा जो रसगुल्ला है वो एकदम हार्ड बन जाएगा तो बस दो से तीन चम्मच ज़्यादा नहीं तीन सौ से चार सौ ग्राम छेने में लगभग दो से तीन चम्मच आप मैदा डालें और फिर से इसे अच्छी तरह से इसे इस छीने के मिक्सचर में आप इसे कंबाइन कर लें फिर से आप इसे अच्छी तरह से प्रेस करें और इसे अपने हाथ से मसल कर स्ट्रेच कर लें तो बस थोड़ी देर में हमारा जो छेने का मिक्सचर है जो डो है वो बनकर रेडी हो जाएगा तो लगभग पाँच से सात मिनट अच्छी तरह से इस छेने को प्रोसेस करने के बाद अच्छी तरह से इसे मसल कर स्ट्रेच करने के बाद हमारा जो छेने का मिक्सचर है वो एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बन जाएगा इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ टेक्सचर इसका आ जाएगा तो अब ये रसगुल्ला बनाने के लिए एकदम तैयार है अब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ला इससे बनेगा तो अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे हाथ से रोल आउट करके तो अब हम इस छेने के मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे तो आप थोड़ा सा छेना अपने हाथ में लें और इसे अपने हाथ से रोल आउट कर लें इसे अच्छी तरह से रोल आउट करें सॉफ्ट एकदम डेलिकेट हाथों से आप इसे रोल आउट करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें तो आप जितने भी छोटे साइज़ के बॉल्स बनाएंगे जब आप इसे स्टीम करने के लिए चाशनी में डालेंगे तो ये फूल कर बड़े हो जाएंगे तो एकदम छोटे छोटे बॉल्स आप इसके बना लें और फिर हम इसको जो चाशनी में स्टीम होने के लिए हम इसमें डालेंगे तो हमारे सारे जो छेने के छोटे छोटे बॉल्स हैं वो एकदम बनकर रेडी हो गए हैं और अब ये तैयार हैं चाशनी में स्टीम होने के लिए तो अब हम इन्हें एक एक करके बॉयलिंग चाशनी में हम इन्हें डालेंगे स्टीम होने के लिए तो हमारी जो चाशनी है वो एकदम बॉयल होकर रेडी हो गई है तो इसमें लगभग दस मिनट लगते हैं तो अब हम इस चाशनी में जो छेने के बॉल्स हमने बनाए थे रोल आउट करके हाथ से वो हम इसमें एक एक करके डाल देंगे तो एक एक करके हम सारे जो छेने के बॉल्स हैं वो हम इसमें डालेंगे और फिर हम इसे ढककर लगभग पंद्रह मिनट तक इसमें स्टीम होने देंगे तो आप फ्लेम इनिशियल दस मिनट के लिए आप इसे हाई पर रखें और बाकी के पाँच मिनट पाँच से दस मिनट आप इसे मीडियम फ्लेम पर रखें तो इसे लगभग पंद्रह से बीस मिनट हम इसे इस चाशनी में बॉयल होने देंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो छेने के बॉल्स हैं जो रसगुल्ला के बॉल्स हैं वो अच्छी तरह से चाशनी में स्टीम हो रहे हैं तो हमें इसे पंद्रह से बीस मिनट इसी तरह से चाशनी में स्टीम होने देना है मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में तो लगभग दस मिनट बाद आप थोड़ा सा ढक्कन हटाकर इन रसगुल्ले के बॉल्स को आप थोड़ा सा करछी से हल्के हाथों से अपने थोड़ा सा स्टर कर लें ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से स्टीम हो तो फिर आप इसे ढककर और पाँच से दस मिनट इसे आप स्टीम होने दें तो लगभग पंद्रह से बीस मिनट स्टीम होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो रसगुल्ले हैं वो एकदम बनकर रेडी हो गए हैं तो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये बने हैं और आप देख सकते हैं कि ये टूट कर बिखरे नहीं हैं तो हमने इसे अच्छी तरह से जो इसे मसला था उससे ये एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं और अब ये सर्व होने के लिए एकदम रेडी हैं तो आप इसे चाहें तो गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि पंद्रह से बीस मिनट बाद जब ये बनकर रेडी हो जाए आप इसे लगभग एक से दो घंटा इसे इसी गर्म चाशनी में ही इसे रहने दें ताकि अच्छी तरह से इस जो चाशनी है वो इसमें अच्छी तरह से रिस जाए एकदम से इसके अंदर चली जाए और इसका टेस्ट बहुत भी अच्छा हो जाएगा तो आप इसे लगभग मिनिमम आधा घंटा आधा घंटा एक घंटा आप इसे इसी गर्म चाशनी में आप इसे रहने दें और फिर उसके बाद ही आप उसे सर्व करें जितनी देर आप इसे चाशनी में रखेंगे उस उतना ही इसका टेस्ट और ही अच्छा होता जाएगा क्योंकि उतना ही ये ज़्यादा रस ये इसमें अंदर जाएगा ये ज़्यादा से ज़्यादा रस पिएगा और इसका टेस्ट और भी अच्छा होता जाएगा तो मिनिमम आप इसे एक से दो घंटे इसी गर्म चाशनी में आप इसे रखें और उसके बाद ही आप इसे सर्व तो दोस्तों हमारा जो रसगुल्ला है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है और ये सर्व होने के लिए एकदम तैयार है तो मैं आपसे ये आपको ये टिप दूंगा कि जब ये रसगुल्ले बनकर कर रेडी हो जाएं तो आप इसे फ्रिज में आप इसे चाशनी के साथ ही थोड़ा सा ज़्यादा चाशनी के साथ इसे रखें लगभग तीन से चार घंटे और इसे अच्छी तरह से चाशनी में रहने दें ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाए और चाशनी अच्छी तरह से इसमें घुस जाए उसके बाद ही इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार